चारों तरफ टॉयलेट सीट्स, जिधर नजर उठाइए नए पुराने रंग बिरंगे अलग अलग आकार और प्रकार की टॉयलेट सीट्स ही नजर आएंगी। आपको ये लग रहा होगा कि आप किसी सामूहिक शौचालय में आ गए हैं, लेकिन जनाब रुकिए, मुंह नाक मत सिकोड़िए, क्योंकि ये कोई शौचालय नहीं बल्कि टॉयलेट सीट्स का संग्रहालय है। सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें रखी गई हर टॉयलेट सीट खास है और सबकी अपनी अपनी दिलचस्प कहानी है। इसे देखिए, यूं तो ये देखने में बिल्कुल सिंहासन की तरह है, लेकिन है एक टॉयलेट सीट जिसे फ्रांस के राजा लुई फिलिप 14 इस्तेमाल करते थे। इसे ऐसा क्यों बनाया गया था, इसकी दिलचस्प कहानी है। इन किंग के साथ एक प्रॉब्लम थी, इनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी थी, तो इन्होंने अपने थ्रोन के अंडर ही यहाँ पे अपना साथ में कमोड भी बना लिया था। क्या करते थे, यहाँ पे बैठते थे, ऑडियंस थी तो साथ में लेक्चर भी डिलीवर करते थे, और जो इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम था, जो डेफिकेशन पर्पस था, वो भी पब्लिक के सामने सॉल्व होता था बिना किसी हेजिटेशन के। इस टॉयलेट सीट की तस्वीर को भी देखिए, ये हड़प्पा सभ्यता के दौर का है। इसे मोहनजोदाड़ो में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन सवाल ये है कि क्या उस वक्त भी टॉयलेट सीट का इस्तेमाल किया जाता था। ये 5000 साल पुराना टॉयलेट है, 2500 BC का। तो यहाँ पे लोग क्या करते थे, क्योंकि उस टाइम फ्लश का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो लोग क्या करते थे, आपको देखिए कि बीच में होल था, लोग होल पे बैठते थे, ये देख रहे हैं इनका ये ड्रेन है जिसके थ्रू इनका वेस्ट पास होता था, और फिर वो क्या होता था कि सिटी के बाहर चला जाता था। क्या आपने कभी सुना या देखा है कि ओहदे के हिसाब से शौचालय का इस्तेमाल करना होगा? अगर नहीं तो हम आज आपको दिखाते हैं। 1920 के इस दो मंजिले टॉयलेट को देखिए, इसका इस्तेमाल अधिकारी और कर्मचारी करते थे। अधिकारी अपने ओहदे के मुताबिक सबसे ऊपर की मंजिल में जाते थे, जबकि कर्मचारी नीचे। ये हमारा डबल स्टोरेज टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है, जो बेसिकली 1920 USA का है। तो इसमें एक्चुअली दोनों का स्ट्रक्चर एक ही दिया हुआ है, बट छोटा सा डिफरेंस क्या था कि ऊपर वाले जो थे वो मैनेजमेंट जाते थे, और नीचे वाला जो था इनके एम्प्लॉयज जाते थे, ताकि 1920 USA में एक हायरार्की उस टाइम पीरियड में फॉलो हुआ करता था कि बॉस हमेशा बॉस है। तो इसलिए वो प्रेफर करते थे कि हम सुपीरियर हैं तो हम हमेशा ऊपर जाएं, और जो इनके एम्प्लॉयज होते थे वो बॉटम में जाते थे। बदलते वक्त के साथ टॉयलेट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कमोड्स के मॉडल भी बदलते गए। आखिर में टेबल टॉप टॉयलेट का भी दीदार कर लीजिए, ये टॉयलेट आम नहीं बल्कि मल्टीपर्पस है। ब्रिटिशर्स हंटिंग के लिए जा रहे हैं, इसको अपने साथ यूजुअली साथ में कैरी करते थे, क्योंकि एक तरह से ये पोर्टेबल भी था, और इस पर ये लोग सिर्फ 3 काम करते थे। इस पर लोग खाते भी थे, इस पर लोग बैठते भी थे, और बाय चांस जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, अगर उनको बाय चांस अगर प्रेशर आ जाए तो साथ में वो चले भी जाते थे। इस म्यूजियम में कई तरह के टॉयलेट सीट्स रखे हुए हैं, आधुनिक से लेकर प्राचीन कमोड को बड़े सलीके से सजाया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोबर गैस की तरह ही ह्यूमन वेस्ट का भी इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है? अगर आपको नहीं पता तो इस म्यूजियम में ज़रूर आइए और देखिए कि कैसे ह्यूमन वेस्ट का इस्तेमाल खाना बनाने, लाइट जलाने, खाद बनाने और ठंड के मौसम में आग तापने के रूप में किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, टॉयलेट बनाते हैं, और टॉयलेट के साथ दो गड्ढे बनाते हैं, 2 pit, और एक बार में एक गड्ढे को हम ब्लॉक करते हैं इस ड्रेन से। टॉयलेट से एक्सक्रीटा इस ड्रेन से होता हुआ इस पिट के अंदर जाता है। जितने समय में वो गड्ढा भरेगा मानव मल से, चूँकि पहला गड्ढा भरा हुआ है तो 2 साल के अंतर्गत वो खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम प्लांट्स में दे सकते हैं एज अ फर्टिलाइज़र, खाद के तौर पर। ये नाइट्रोजन इसमें होता है, पोटाशियम होता है, पोटाश होता है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इस म्यूजियम को सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वरी पाठक ने बनवाया है। जाहिर है इस म्यूजियम का संदेश स्वच्छता से भी जुड़ा है। गांधी ने कहा था, आजादी मुझे बाद में चाहिए, स्वच्छ भारत पहले। लाल किले से झंडा फहराते हुए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता और शौचालय की बात की। गांधी के बाद दूसरे व्यक्ति हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें स्वच्छता को, शौचालय को गले से लगाया है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में होने वाली बलात्कार की कुल घटनाओं में से 30% खुले में शौच करने वाली महिलाओं के साथ होती है।
इस तरह स्वच्छता के साथ साथ सुरक्षा, वैकल्पिक ऊर्जा यानी अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने और जानकारी देने का शानदार प्रयास ये टॉयलेट म्यूजियम इतिहास के रोचक पन्नों के जरिए कर रहा है। वाह, कमाल है।